गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग इन योर ऑनलाइन क्लासेस. ड्यू टू माई इलनेस आई वॉज अनेबल टू टेक योर क्लासेस. सो टूडे वी आर गोइंग बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस अगेन. एंड टूडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 8, रीच फॉर द टॉप पार्ट 2. आज हम लोग रीच फॉर द टॉप के पार्ट 2 पढ़ेंगे. एंड दैट इज रिलेटेड टू लाइफ स्टोरी ऑफ मारिया शारापोवा. आज हम लोग पढ़ेंगे मारिया शारापोवा का लाइफ स्टोरी के बारे में. पार्ट 1 में संतोष यादव के बारे में पढ़ लिए थे. एक्सरसाइज वगैरह सब इनकम्प्लीट है, आई नो इट वेरी वेल. तो ये पार्ट 2 कम्प्लीट होने के बाद टोटल इकट्ठा इसका पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, आप लोग को कम्प्लीट कर लेना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 मारिया शारापोवा. बिफोर यू रीड, A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of the women's tennis when she was barely 18. Russian girl, कौन? एक Russian girl के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम Maria Sharapova है. तो इसी से हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है कि Maria Sharapova कहाँ की है? रशिया का, ठीक है, जो कि समिट करता है वुमेन्स टेनिस एक खेल होता है, टाइप ऑफ प्ले, जो खेलने के लिए वो सिर्फ 18 साल में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था खेल में. एज यू रीड अबाउट हर, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, सी इफ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव, आपको पता चलेगा. आपने संतोष यादव का कैरेक्टर पढ़ लिया कि संतोष यादव का लाइफ स्टाइल, स्ट्रगल, मूवमेंट, कैसे उन्होंने टॉप तक पहुंचा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया. अब मारिया शारापोवा का लाइफ स्टाइल कैसी है ये भी देखेंगे, तो दोनों में हमें कंपेरिजन करना आसान होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देयर इज समथिंग डिजर्विंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑट विथ अ रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. देखने में बहुत ही अजीब लगता है, डिजर्विंग मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा. मारिया शारापोवा का फेस अब आप देखेंगे तो उनके फेस का जो हंसी है, जो अटायर है, जो लक्ष्य में पहुंच के जो चमकना, चमकती हुई, जो खिलती हुई हंसी, वो देख के आपको बहुत कुछ लगेगा. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस. और वही वो हंसी कब दिखा गया था? 2005 22 अगस्त सोमवार को देखा गया था उनके हाथ में वुमेन्स टेनिस का अवार्ड, फर्स्ट पोजिशन का अवार्ड पहुंचना, हाथों में उनके मेडल देखना. ये पिक्चर हम लोग देखे थे, आप लोग पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि उनके हाथों में टेनिस विंबलडन का ट्रॉफी मेडल. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, पॉइज्ड बियॉन्ड हर इयर्स. ये कोई एक दिन के मेहनत का फल नहीं है, ये काफी सालों साल की मेहनत का फल है. द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर्स एज ए प्रोफेशनल टू रीच द पिनाकल. लेकिन बहुत साल भी इनको लड़ाई नहीं करना पड़ा था, सिर्फ कम ही दिनों में, मतलब 4 ही साल में मारिया शारापोवा ने अपने हाथ में पिनाकल पाल किया था. पिनाकल मतलब वो जो ऐसा चीज जैसे रेगिस्तान में पानी के बालू में पानी गिरने से जैसे लगता है कि इसको पकड़ना नामुमकिन है, वैसे ही इन्होंने, लेकिन मारिया शारापोवा ने इस कला को, विंबलडन टेनिस का गोल्ड मेडल जीतने का अवार्ड उन्होंने हासिल किया था, जिसका लड़ाई उन्होंने सिर्फ 4 ही साल लड़ी थी. 4 ही साल में ये दक्षता, ये कला उन्होंने हासिल कर लिया था. ठीक है, तो मतलब इसे हमें फर्स्ट पैरा में हमें क्या पता चल रहा है, शी वॉज द रशियन गर्ल. तो उनका जो हंसी वाला चेहरा हाथ में मेडल लेते हुए, जो ये जो चेहरा हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे कहानी होती है. कोई एक दिन में वो जगह पे नहीं पहुंचता है जो जगह हम लोग देखते हैं. हम लोग बैठ के ऑडियंस की सीट पे बैठ के देखेंगे, अरे बाबा देखो उसको सोना मिल रहा है, उसको चांदी मिल रहा है, उसको भारत रत्न मिल रहा है, उसको ऑस्कर मिल रहा है, ये देखना और उसको माने उसके बारे में चर्चा करना अलग बात है, लेकिन इसके पीछे का कहानी सिर्फ वो ही बता सकती है. ठीक, तो ये कहानी उसके साथ भी, उसके भी लाइफ में कुछ स्टोरी है जैसे संतोष यादव का था. तो लेकिन इनका ये स्ट्रगल ज्यादा दिन का नहीं था. जैसे संतोष यादव पैदाइशी एक ऑर्थोडॉक्स समाज से लड़ते हुए उन्होंने टॉप तक पहुंचा था, एवरेस्ट को 2-2 बार हीट किया था, बट इन्होंने बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं किया है. 4 ही साल में उन्होंने अपने इस जगह पे, मैंने इस मुकाम पे वो पहुंच गई थी. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. मतलब बहुत ही कम बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 9 साल की उम्र से ही ये सारे चीजों में दक्षता पाने के लिए आगे आए थे. मतलब 9 साल उम्र से ही मारिया शारापोवा
खेल कूद में आगे बढ़ के आए थे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे। मारिया जब 10 साल की थी तब उसने अपना बर्थडे नहीं मनाई थी। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 10 साल उम्र में उसको यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका में भेजा जा रहा था जो अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट। 10 साल की लड़की मतलब कुछ नहीं है आज के जमाने में भी अगर सोचो तो। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पैथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन हमें मिल रहा है। संतोष का पापा चाहते थे कि गांव के अदर्स बच्चे की तरह उनकी लड़की भी पली बड़ी हो। लड़के लोग बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं बट लड़की नहीं। लेकिन मारिया के पापा वैसे नहीं थे। मारिया के पापा स्टारडम थे। स्टारडम मतलब एक उच्चा प्रतिभावान इंसान जिसके सपने भी ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं कि अपनी बेटी को इस जगह तक पहुंचाएगा। और उसके लिए वो क्या करे, 10 साल में मारिया को अमेरिका भेज रही थी टेनिस ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए। ठीक। That trip to Florida with her father, Yuri launched her on the path to success and stardom. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Yelena. 10 साल की लड़की घर छोड़ के जा रही है मतलब मम्मी को छोड़ के जा रही है। तो एक 10 साल की लड़की को अपने माँ से अलग करना ये दर्दनायक होती है। तो एक सैक्रिफाइस जिंदगी में कुछ बनने के लिए शुरुआत से ही तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक। The latter was compelled to stay back in the Siberia because of his visa restriction. उसके बाद उसको वापस साइबेरिया कुछ दिन के लिए आना पड़ा था क्योंकि उसकी वीजा नहीं बन रही थी। वीजा बनने के लिए 12-13 मिनिमम एक उम्र होनी चाहिए तब वीजा बनता है। द 9-year ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली केम एट ए प्राइस। 9 साल की लड़की ये समझ गई थी, जिंदगी का ये सीख ली थी कि टेनिस में जाने के लिए, टेनिस प्लेयर बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल। मारिया शारापोवा बोली थी कि मुझे अकेला होना पड़ेगा, अकेला जीना पड़ेगा। आई मिस्ड माई मादर टेरिबली, मैं अपने मम्मी को बहुत ही मिस करती हूँ या फिर मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। जब मेरा टेनिस ट्रेनिंग चल रहा था मेरे पापा काम करते थे, सो ही कुड नॉट सी मी आइदर। तो मेरे पापा काम करते थे तो मेरे पापा भी मुझे उतना समय नहीं दे पाते थे। तो देखो एक 10 साल की लड़की माँ चोर के बाप चोर के एक प्रशिक्षण में चली गई है, तो ये सैक्रिफाइस ही हुआ। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, मुझे 8 बजे ही सोने जाने के लिए तैयार होना पड़ता था क्योंकि हॉस्टल में डाल दिए थे उनको। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट, दूसरा जो लोग मेरे साथ मेरे रूम में रहते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग रूम में आते थे कितने बजे, तो मतलब जब वो सोते थे उस टाइम कहाँ पे रह के, जो हॉस्टल में रह के वो सोते थे उस टाइम, बाकी लोग क्या करते थे 11 बजे वापस आते थे लेकिन वो 8 ही बजे सो जाते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। तो बाकी लोग जो मेरे रूम में शेयर के मैंने रूममेट्स रहते थे वो लोग आते थे रात के 11 बजे टेनिस वेनिस खेल के और आके मुझे ऑर्डर करते थे कि मैं रूम वूम साफ सफाई करके रखूं। Instead of letting that depress me, I become more quietly determined and mentally tough. मतलब ये बहुत ही एक टफ पोजीशन है ना कि बड़े सीनियर लोग आके रैगिंग वगैरह इप्टीजिंग करते हैं ना, थोड़ा वो पिंच करते हैं कि मैं जूनियर हूँ इसलिए मुझे कुछ भी ऑर्डर दे देते, वो ये मुझे डिप्रेस करने की कोशिश करता, मेंटली प्रेशर देता था लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे नहीं लिया था। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया था कि कैसे मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई हैव वांटेड। मैं कभी गुस्सा नहीं होती थी उन लोगों के बातचीत पे, उन लोगों के व्यवहार पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब तुम्हारे पास कुछ चीज सीखने के लिए नहीं हो या फिर कुछ नहीं है और जो तुम्हें चाहिए किसी भी हाल कीमत में चाहिए, तो तुम्हें उसके लिए, तुम्हारे अंदर उसके लिए भूख बढ़ता रहता है और एक डिटर्मिनेशन बढ़ती रहती है, एक लक्ष्य पैदा हो जाता है कि हाँ मुझे वो चीज हासिल करना ही है। I would have put up with much more humiliation and insult than that too
स्टेडफास्टली परपस माय ड्रीम। इसीलिए मैं कोई भी प्रकार के अपमान बोलो, कोई इंसल्ट बोलो, कुछ भी मैं मन में नहीं रखता था कि कौन क्या बोल रहा है, ये सब सोच के कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर किस पर्पस में आया हूँ, वो पर्पस मेरे सपने के रास्ते में कभी बाधा ना बने। मतलब मेरा पर्पस मुझे फिल करना है, इसके लिए कौन मुझे रोक रहा है, टोक रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, ऑर्डर सिटी कर रहा है, लेग पुल कर रहा है, इसके ये सब मैं मन में नहीं ठहराऊंगा। द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे। आज भी मारिया को ऐसे बहुत सारे मुकाबला का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विम्बलडन इन 2004 एंड टू हर मेटेरियल क्राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और यही सारे सैक्रिफाइसेस, यही सारी जोश मारिया के हाथ में 2004 में विम्बलडन का, जो कि हम लोग पिक्चर देखे, वो ट्रॉफी उसके हाथ में आज उठा है, क्योंकि उसने कभी भी कोई बाधाओं के सामने सर नहीं झुकाया, हौसला नहीं तोड़े थे, और वो देश का नंबर वन एक टेनिस प्लेयर बन, वुमेन टेनिस प्लेयर बन के साबित कर दिया है बनके। While her journey from the frozen plains of Siberia to summit the women's tennis had touched the hearts of tennis fans, for the young star herself there appears to be no room for sentiment। उन्होंने जब ये ट्रॉफी जीता, तो जब कोई ट्रॉफी जीतता है तो उसको कुछ बोलने के लिए बोला जाता है, तो उन्होंने कुछ बोला था कि दुनिया में सेंटिमेंट का कोई जगह नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसिडर द सैक्रिफाइसेस एवर ओटिड। सिर्फ एक ही बात वो सीधी तरह से बोल दिया है कि जिंदगी में अगर आप सैक्रिफाइस करोगे तभी आपको कुछ हासिल में मिलेगा, मतलब कुछ मिलने वाला है, वरना कोई रास्ता इतना खाली, इतना आसान नहीं होता है कि मुंह मांगो और वो मिल जाए। तो इसीलिए आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मेरा क्या होना है, मैं बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हूँ। कम्पिटिटिव मतलब प्रतिद्वंदी, मतलब जिसके अंदर कम्पीट करने का शक्ति है, किसी को भी चैलेंज करने की शक्ति है। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, इट्स माई जॉब। मुझे काम करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, फल तभी मुझे मिलेगा, तभी यही मेरा लक्ष्य है। एंड दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही है उनके विजय का यही सूत्र था, यही मंत्र था। जब उनके हाथ में ये ट्रॉफी उठा, मेडल उठा, तो उन्होंने यही बात सबके सामने रखा। डो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली पैराडाइज हर रशियन नेशनलिटी। भले वो यूएस में चले गए थे, यूएस में ही अपने लक्ष्य में पहुंचे थे, लेकिन वो अपने रशियन कल्चर को कभी नहीं भूले थे। इट्स ट्रू दैट द यूएसए इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। उन्होंने ये भी कहा था, मैं मानता हूं कि अमेरिका मेरे जिंदगी के लिए एक यूरेका है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिटेड एक से कंट्री है, बट आई हैव रशियन सिटीजन, लेकिन मैं एक रशियन नागरिक हूँ। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरे खून खून में रशिया बह रहा है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वेंट मी। तो मैं चाहूंगा इसके बाद अगर मुझे ओलंपिक में मौका मिले, तो ओलंपिक के लिए कंट्री चूज किया जाता है कि तुम कौन से देश के लिए खेलोगे, तो मैं खेलूंगा अपने मुल्क के लिए, और वो है रशिया। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। बाकी दूसरे टीनेजर की जैसा मारिया शारापोवा भी सिर्फ खेलकूद में नहीं, खेलकूद के साथ फैशन में, गाने में, नाच में, सब इनका हॉबी था। शी लव्स रीडिंग द नोबेल्स ऑफ आर्थर कोनन डोयल। उनको नोबेल पढ़ना भी अच्छा लगता था, सर आर्थर कोनन डोयल का। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड एंड अ फिजी ऑर्गन ड्रिंक। उनको ये सब भी अच्छा लगता था, गाउन जो हम लोग पहनते हैं ना, आप लोग लड़कियां पहनते हो गाउन ड्रेस, वैसे गाउन ड्रेस पहनना, पैनकेक खाना, चॉकलेट खाना और ऑरेंज ड्रिंक पीना, ये सब भी उनके फैशन में आता था। ये सब भी मतलब ऐसा नहीं कि खेल कूद छोड़कर कुछ आता नहीं है, खेल कूद छोड़ के भी उनका एक दुनिया था जो कि बाकी सारी टीनेज गर्ल की जैसे ही थी। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ द मारिया शारापोवा, पार्ट टू ऑफ रीच फॉर द टॉप, जो कि आज आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया, आप लोग इस ऑडियो को एंड तक सुनिए। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे क्वेश्चन पुट करिए। कल दोबारा हम अगला एपिसोड के लेके, अगला वीडियो ऑडियोस को लेके कमिंग बैक करेंगे। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।